जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से बना बराक 8 मिसाइल की क्या क्या विशेषता है और इसके किस विशेषता के कारण संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई ने अपने एयरबेस अल्धारवा एयरबेस पर तैनात किया है और इसकी दुश्मनी क्या है ईरान के साथ क्यों है। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बराक 8 मिसाइल के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। तो देखिए, ये जो बराक 8 मिसाइल है ये भारत और इजराइल के दोनों के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है। भारत की तरफ से जो कंपनी भाग ली उसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उधर से जो ली है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब DRDO भारत की तरफ से और उधर से IAEA दोनों मिलकर इस बराक 8 मिसाइल का निर्माण की है। और ये जो मिसाइल है भारत के तीनों सेनाओं है मतलब कि जल सेना, वायु सेना और जो थल सेना, ये तीनों के पास मौजूद है और यही वो मिसाइल है जिसे वियतनाम ने चीन के विरुद्ध खरीदा था। तो आखिर क्या कारण है, इसकी क्या क्या विशेषता है कि जो वियतनाम खरीद रहा है भारत के तीनों सेनाओं के पास है और भी देश खरीदने को तैयार है। और यूएई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने एयरबेस ईरान के विरुद्ध मतलब तैयार कर रहा है। तो आखिर क्या इसकी विशेषता है, तो चलिए अब इसको हम जानते हैं। तो देखिए, ये जो बराक 8 मिसाइल है मुख्य रूप से आप देखेंगे ये हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन के काल बनता है। ये ऐसा है जो हेलीकॉप्टर एवं देखिए कोई भी मिसाइल होते हैं उसे बहुत सारे दुश्मन जो होते हैं उसे हेलीकॉप्टर के मारने की कोशिश करते हैं हेलीकॉप्टर पर चढ़ के या तो उसे ड्रोन से मारेंगे। लेकिन इसमें ऐसी क्षमताएं हैं कि ये हेलीकॉप्टर से भी बच सकता है और ड्रोन से भी बच सकता है मतलब ये हेलीकॉप्टर और ड्रोन को पूरी तरह से मारने के लिए उससे बचने के लिए पूरी तरह से ये जाना जाता है। तो ये इसका पहला विशेषता है। और देखिए, और इसमें एक और खास विशेषता है कि आप देखेंगे इसे जमीन पर और समुद्र में दोनों जगह पर तैनात किया जा सकता है। जैसे वियतनाम को देखिए, वियतनाम चाइना से सटा हुआ है। जब वियतनाम चाइना से सटा हुआ तो उसे समुद्री इलाके में भी इसका प्रयोग वह कर सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो चाइना का विरोध है वो दक्षिणी चीन सागर को लेकर रहा है। तो इसलिए वियतनाम इसे समुद्र में भी तैनात कर सकता है, अपने आवश्यकता पड़ने पर अपने जमीनी स्तर पर भी इसे तैनात कर सकता है। तो इसे एक और ही इसकी विशेषता हो जाती है। देखिए अब तीसरा, यह ड्रोन हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल इससे बचने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये तो ड्रोन से बच जाएगा, हेलीकॉप्टर से क्रूज मिसाइल ये तो देखिए चूंकि ये वैसे जगह शामिल किया जाता है मतलब पड़ोसी दुश्मन के सामने जो जो जिसका दुश्मन मतलब बहुत अधिक दूरी पर नहीं, जैसे कि भारत का देखिए पाकिस्तान है, चाइना है, उसी तरह से वियतनाम को देखिए, वियतनाम का भी चाइना है। तो इसलिए ये एकदम पड़ोसी देश है। जैसे कि आप देखेंगे ये नक्शा तो यूएई है, ये यूएई संयुक्त राज्य और इसका ईरान, देखिए यहाँ पर भी एकदम इसके मतलब ढेर दूर नहीं है, ये दुश्मन जो है एकदम नजदीक है। तो ऐसे ऐसे जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये क्रूज मिसाइल का प्रयोग नजदीक दूरी के लिए मतलब जो शत्रु को बहुत ही नजदीक हो तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है क्रूज मिसाइल, तो आराम से ये क्रूज मिसाइल से बच सकता है। और एंटी शिप मिसाइल हम जाते हैं, अब पानी वाला है तो आप समझिए पानी हो तो वहाँ पर शिप भी चलेगी और ये एंटी शिप मिसाइल जितने भी उससे भी ये आराम से बच सकता है। तो अब देखिए ये तीनों बात यही देखा कि ये तो तीनों बात हमारा पर लागू होता है और ऊपर से हमारा दुश्मन यहाँ पर ईरान है ये है। तो इसलिए यहाँ पर इसका अल्धारवा एयरबेस है, अल्धारवा इसकी जो राजधानी अबू धाबी है, इसके अल्धारवा एयरबेस यहाँ पर देखेंगे आप तो यहीं पर है और ये फारस की खाड़ी है। तो देखिए ये पहला इस पर लगे हेलीकॉप्टर ईरान आराम से आप देखेंगे कि ये जो ईरान का सुसाइड ड्रोन है शाहिद 136 ड्रोन, इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, शाहिद 136 ड्रोन। यह ऐसा ड्रोन है इसका समझ इसका कहर पूरा दुनिया में व्याप्त, हर एक देश इसका नाम जाता है शाहिद 136 ड्रोन, क्योंकि ये जो रूस का यही ड्रोन दिया है और रूस इसी की मदद से यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है, उसके पर्यटन स्थलों को बर्बाद कर रहा है, उसके शहरों को बर्बाद कर रहा है। तो ये इसका जो ड्रोन है इससे बचने के लिए देखा कि वहाँ पर भारत और इजराइल का बना है बराक 8 मिसाइल, तो इसको सोचा कि चलो हम इसको हमले लेते। ये लिया पहला कर रहा हूँ, देखिए पहला तो ये बात जो पहला इसका प्रॉपर्टी है पूरी तरह से इस पर लागू होते हैं और हेलीकॉप्टर से भी ये बच सकता है। दूसरा देखिए समुद्र में जमीन पर आप देखिए, अब यहाँ पर ये तैनात करेगा तो तपर भी ठीक है, अगर ऐसा हमला करेगा तो वो भी, अगर ये खाड़ी इस जल मार्ग से हमला करेगा तो ये जल में भी आराम से तैनात रह सकता है। तो दूसरा बात भी इस पर लागू होता है। और तीसरा देखिए, ये तो अब ड्रोन तो जो ईरान का ड्रोन है और लड़ाकू विमान है सब समझिए, कुछ लड़ाकू विमान ईरान का ड्रोन जो है ये पूरी तरह से बहुत ही मतलब मजबूत है, बहुत हमलावर है और ये अपने ताकत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो इसके लिए यूएई सोचा कि चलो हम अपने लाते हैं बराक 8 मिसाइल को। तो ये तीनों प्रॉपर्टी इसने सोचा कि हमारे दुश्मन जो है इस पर पूरी तरह से फिट हो रहा है तो इसको यहाँ पर लाया। तो अब देखिए, आप देखेंगे ये तो
यहाँ पर यूएई लिया, उधर वियतनाम लेने को चाह रहा है, और ले भी लिया होगा, और भारत भी लिया है, भारत के तीनों वायुसेना के पास है। इसके अलावा और देखिए, ये इजराइल भारत के पास ही है, अजरबैजान, इसका प्रयोग अजरबैजान भी करता है, और अजरबैजान ने इसी बराक एट मिसाइल की मदद से अर्मीनिया के बहुत सारे मिसाइलों को जिस जो जो रूस ने बनाकर दिया था अर्मेनिया को, लो उसको भी मारकर गिरा दिया था इसी केवल बराक एट मिसाइल के जरिए। और देखिए यूएई और मोरक्को, ये जो मोरक्को देश है, यह भी चाहता है कि मतलब ये भी गुहार लगाया कि हमें भी दे दीजिए ये बराक एट मिसाइल। इतने सारे ये बराक एट मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे इसका प्रयोग एकदम जो शत्रु नजदीक हो और जिसके पास खतरनाक लड़ाकू विमान हो और खतरनाक ड्रोन हो, तो उन्हीं इलाकों में ये लिया जाता है, और समुद्री इलाके में आप देखेंगे ये इसे तैनात किया जाता है। तो आप चलिए समझते हैं कि यूएई ने आखिर इसको लेने की जरूरत कैसे पड़ी, किन के कैस यूएई के पास कौन कौन सा ऐसा कंडीशन आया जिसके कारण उसे इस बराक एट मिसाइल को लेना पड़ा। तो देखिए पहला कंडीशन तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो ईरान का ये शहीद 136 ड्रोन है, ये लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और यूक्रेन को किसी विशेष क्षेत्र को टारगेट कर कर उसे मार दे रहा है, मतलब उस शहर को बर्बाद कर रहा है। तो ये सोचा कि ये हमारा नज़दीक है और ये बर्बाद कर सकता है, और ड्रोन से बचने के कौन है, बराक एट मिसाइल। तो सोचा कि चलो, तो इन परिस्थिति ऐसा परिस्थिति है जिसे लगा कि हमें बराक एट मिसाइल ले लेना चाहिए, तो ये लिया पहला परिस्थिति। अब देखिए ये जो यूक्रेन है, आप देखेंगे यूक्रेन का लेना, ऐसे देखा कि और यूक्रेन को, चूंकि ईरान अपने इस ड्रोन की मदद से दिया था रूस को दिया था, यह शाहिद 136 ड्रोन ईरान रूस को दिया था, और रूस इसका प्रयोग यूक्रेन पर कर रहा था, लेकिन यूक्रेन ने इसे ध्वस्त करने के लिए, इसे मारने के लिए किसका किसका प्रयोग, बराक इस मिसाइल का प्रयोग किया, और ये पूरी तरह से उसमें बहुत हद तक इसमें सफलता भी पा ली। तो इसमें चलो कि यूक्रेन भी लिया, तो चलो हम भी ले लेते हैं, तो ये भी ले लिया। और देखिए इसका तीसरा कारण, आप देखेंगे ये जो ईरान है, यह खाड़ी देशों पर हमला करता रहता है, मतलब कि ईरान की खाड़ी देश से बनती नहीं है। जैसे कि देखिए ईरान ने तेल डिपोज, यहाँ पर देखेंगे इराक, और जो यह देखिए कतर, यह है कतर, और यह है बहरीन, ये छोटे छोटे देश हैं, इनका ज़्यादा महत्व नहीं है, ये मुख्य रूप से तेल के लिए जानते हैं। जैसे कि इराक में तेल, बहरीन में तेल, सऊदी अरब में तक इसमें जास्ती तेल है, पेट्रोलियम है, मतलब जास्ती पेट्रोलियम, ये मुख्य रूप से खाड़ी देश है, वो मुख्य रूप से पेट्रोलियम के लिए ही जाने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो इसका तेल डिपो है, इराक का हो चाहे यूएई का हो चाहे सऊदी अरब का, और इसका समुद्री पोर्ट, यहाँ पर देखिए सबका समुद्री पोर्ट यहाँ पर होगा, इराक का हो चाहे यूएई का हो चाहे कतर का है, बहरीन का हो, किसी का हो, तो आराम से ये इस पर पहले तेल डिपो, समुद्री और सैनी, ये इस पर लगातार ईरान ने अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया है। और ये ईरान ही नहीं, ईरान में जो हैती विद्रोही है, ये दोनों मिलकर डायरेक्ट नहीं हमला किए, इनडायरेक्टली हमला किए। तो ये सोचा कि लगातार हमला कर रहे, कभी समुद्र मार्ग से, कभी डायरेक्ट ड्रोन से हमला करता, चलो ऐसा लेना बहुत ही जरूरी है। तो बराक एट मिसाइल को ये दूसरा तीसरा लेने का कारण इसका है। अब देखिए, अब इसका एक और गुण इसका देखिए, जब ये यूएई देख रहा था कि आर्मेनिया ने अपना मिसाइल दिया था रूस को बनाने के लिए, आर्मेनिया ने अपना मिसाइल दिया था रूस को बनाने के लिए, और रूस ने इसे बना कर दिया, लेकिन इसे ये जो बराक एक मिसाइल है इसका, ये कौन लिया था, पहले से ही अजरबैजान लिया था। जब अजरबैजान लिया था तो इसने आराम से उस रूस बेचारा बना के दे ही रहा था, समझिए रास्ते में मारकर गिरा दे, अब आर्मेनिया का हालत पहुँच रहेगा। अब अजरबैजान है जो आप देखेंगे कि आर्मेनिया पूरी तरह से भारी पड़ रहा है, तो ये देखा रहा कि ये तो आराम से रास्ते में मार दे रहा है, तो बहुत सारे रूस के बनाए हुए मिसाइल को मार दे रहे, तो यही सोचा कि चलो हम भी अपने यहाँ लाते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इन सब परिस्थितियों के कारण, अब इन सब गुणों से भरपूर होने के कारण यूएई ने अपने यहाँ इस बराक एक मिसाइल को तैनात किया है। तो खुशी की बात यह है कि इसे भारत भी इसमें सहयोग है, और भारत के भी इसके साथ नाम लिए जाते हैं, इजराइल के साथ देखेंगे, भारत ने, भारत और इजराइल, तो ये खुशी की बात है। तो यह रहा इसकी पूरी कहानी, अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।